हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शूट माय स्टाइल में। जो न्यूड वीडियो कॉल का स्कैम है उसके लिए आप अक्सर बहुत सारे वीडियो देखते आए होंगे कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने से, चाहे वो बिहार हो, बैंगलोर हो, दिल्ली हो, मद्रास हो, कलकत्ता हो और न जाने बहुत सारे और स्टेट और सिटीज, जहां से आपके साथ न्यूड वीडियो कॉल का स्कैम जो है वो ऑपरेट होता है। बहुत रेयरली केस ऐसे हैं जहाँ पर सुनने में ऐसा आता है कि जो फ्रॉड हो रहे हैं वो डायरेक्टली रियल में मलेशिया से हो रहे हैं, या फिर मैं कहूँगा कि ऐसी बहुत सारी और कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया है, वहाँ से हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे स्पेशली उन कंट्रीज़ का नाम तो बिल्कुल नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि अननेसेसरी किसी भी कंट्री का नाम यहाँ पर लेना और उसको इस चीज़ में पॉपुलर कर देना कि वहाँ पर फ्रॉड होता है, ये आई थिंक मेरे हिसाब से गलत होगा। तो मैं यहाँ पर इंडिविजुअली केवल बात करूँगा मलेशिया की। जैसा कि आप यहाँ पे एक चेहरा देख रहे हैं, ये जो चेहरा है ये बहुत ब्यूटीफुल चेहरा है, नो डाउट कि ये लड़की बहुत सुंदर लग रही है, बहुत गोरी है। देसी भाषा में अगर बात की जाए तो लल्लन टॉप, जी हाँ, ये लल्लन टॉप लड़की लग रही है। अब ये जो लल्लन टॉप लड़की है, ऐसी लड़की को देखकर मैक्सिमम लोग फिसल जाएंगे, कहेंगे वाह क्या लड़की है। और जबकि ये लड़की आपको खुद मैसेज करके आपसे आपका इंट्रोडक्शन लेना चाहिए। अब न्यूड वीडियो कॉल के स्कैम में जो विदेशी लड़कियां हैं वो भी इन्वॉल्व होने लगी हैं, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है और उनके पास पैसा कमाने का कोई सोर्स नहीं है, तो वो भी इस तरीके के धंधों में इन्वॉल्व होने लगी हैं। जैसा कि आप ये स्क्रीन पर चेहरा देख रहे हैं, ये जो चेहरा है ये एक मलेशियन लड़की का है, मलेशिया की लड़की है और ये रियल में मलेशिया से ही ऑपरेट करती है इस तरीके के फ्रॉड को। इसने एक महाराष्ट्र के बंदे को इसने एक मैसेज डाला, और यही तरीका होता है जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि उसने भेजा कि मैंने आपको एक फाइल जो है वो रेडी कर दी है और आपको सेंड कर दी है। अब ऑब्वियसली एक ये मैसेज को स्टार्ट करने का, मतलब कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने का एक तरीका है कि अगर मुझे आपके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है तो ऑब्वियसली अगर मैं डायरेक्ट आपको हिट करूँगी कि आपका नाम क्या है तो ऑब्वियसली आप शक करेंगे कि हाँ भाई ये तो कुछ फ्रॉड हो सकता है। तो जो वे है बात करने का वो कुछ इस तरीके से है कि बहुत अनलोइंगली आपके पास एक मैसेज चला गया और वो मैसेज वो गलत चला गया। बिल्कुल वैसे उसने स्टार्ट की कि मैंने जो फाइल है वो रेडी करके आपको भेज दी है, काइंडली प्लीज कंफर्म। अब यहाँ से जो मैसेज आता है कि हु, तो वहाँ से मैसेज आता है कि मेरा नाम ये है और मैं मलेशिया से हूँ, और उसके बाद सॉरी, और उसके बाद फिर सिलसिला शुरू होता है बाय द वे व्हाट इज योर नेम, यू लुक्स वेरी हैंडसम। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जो चैट है, ये बिल्कुल महाराष्ट्र के उस बंदे के पास चैट स्टार्ट हुआ और उसके बाद बिल्कुल वैसे ही लुभावनी चीज़ें शुरू हो गई। और ये जो एक अनलोइंगली जो एक मैं कहूँगा कि फ्रेंड सर्कल थी, ये एक जान पहचान में बदलना तब्दील हो गई। यहाँ से शुरू हुआ ये फ्रॉड का सिलसिला। तो जो फ्रॉड होना आजकल चल रहा है न्यूड वीडियो कॉल के स्कैम में, वो बिल्कुल इसी तरीके से स्टार्टअप हो रहा है जो बाहर की कंट्रीज से इंडिया में, इंडिया के साथ जो ऑपरेट किया जा रहा है। हिंदुस्तान में जो फ्रॉड होता था उस फ्रॉड की एक लिमिट हो चुकी है ऑलमोस्ट। मैं अगर कहूँ तो बहुत सारे लोग, एक बड़ी कम्युनिटी ये जान चुकी है कि न्यूड वीडियो कॉल का ऐसे स्कैम हो रहा है, और अब जो तरीका है वो कुछ डिफरेंट वे में चल रहा है। मैं ये भी कहता हूँ कि इसी तरीके का, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोगों के साथ इस तरीके का फ्रॉड पहले हो भी चुका हो, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है मैं कहूँगा कि वो बहुत कम होगी। ऑब्वियसली ये जो इस तरीके के बाहर से जो केस ऑपरेट होते हैं, ये केस अभी भी हिंदुस्तान के अंदर बहुत कम ऑपरेट हो रहे हैं, क्योंकि बाहर का बंदा जब आपके साथ बात करता है तो कहीं ना कहीं आप एक बिलीव में आ जाते हैं कि हाँ ये जो बंदा मेरे से बात कर रहा है ये गलती से ही इसने मुझे मैसेज कर दिया। अब ये मैसेज का सिलसिला आगे बढ़ता है, फिर ये एक अनजान दोस्ती होती है, ये बहुत अच्छी पक्की दोस्ती में चेंज होने लगती है, और ये टाइम होता है ये बहुत कम होता है, 3 से 4 दिन के अंदर ये पूरा मामला एक बहुत अच्छी दोस्ती के अंदर चेंज हो जाता है। अब हर कोई बंदा चाहेगा कि ठीक है यार, कोई मलेशिया की लड़की है और इतना लल्लन टॉप माल है तो क्यों ना दोस्ती की जाए, हो सकता है कि कभी कोई इन फ्यूचर में बेनिफिट हो, कभी या तो वो मेरे पास आए या कभी मैं वहाँ चला जाऊँ या फिर गिफ्टबाजी हो, क्योंकि बहुत से जो केसेस होते हैं वो गिफ्टबाजी के बेस पर भी फ्रॉड होते हैं। अब इस बंदी ने इनको दोस्ती के नाम पे 3 से 4 दिन बाद इनको वीडियो कॉल किया, और वीडियो कॉल करने के बाद उसने अपने आप को स्ट्रिप कर दिया, मतलब म्यूट कर दिया, और इनके साथ वही चीज़ की जो अक्सर होती है कि स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप कॉल चल रही थी वीडियो की वो स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया गया, रिकॉर्ड करने के बाद इनको भेजा गया, और इनको भेजने के बाद ब्लैकमेल का सिलसिला शुरू हो गया।
और ये सही में जो ऑपरेट किया जा रहा था केस, क्योंकि जब मेरी इनसे बात हुई जो महाराष्ट्र के पर्सन है, तो उन्होंने बताया कि व्हाट्सएप कॉल पर जब उनसे बात हुई इस बंदी की, तो जो बैकग्राउंड था वो रियल में मलेशिया का ही था। बहुत हाई लेवल की एडिटिंग की हो तो नहीं कह सकता, बट उनका कहना ये था कि दैट वॉज रियली नेचुरल बैकग्राउंड, कि वो मलेशिया का ही था, और क्योंकि कभी भी रैंडम बात हो जाती थी हमारी उसकी, और वो वीडियो कॉल पर होती थी और वो कहीं पर कुछ काम करती थी, तो मतलब दैट वॉज अ नेचुरल व्यू बिल्कुल होता था, कोई ऐसा नहीं कि एडिटिंग करके वो मलेशिया से ही बात करती थी। तो मलेशिया से इस तरीके का जो केस है वो ऑपरेट होता था। उसके बाद जब ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गई, उसके बाद ये सिलसिला स्टार्ट हो गया कि अब आप मुझे पैसे दीजिए, तो जो पैसा लेने के लिए जो नंबर दिया गया वो इंडिया नंबर था। इंडिया के नंबर पर इन्होंने वो पैसा ट्रांसफ़र किया, क्योंकि डर गए थे कि कहीं ना कहीं इनकी वही बदनामी घर परिवार दोस्तों में ना हो जाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके फेसबुक को ट्रैक करते हैं, आपके इंस्टाग्राम को पेज को ट्रैक करते हैं, और आपके साथ रिलेशन बनाने से पहले, ये सब पूरा सिनेरियो बनाने से पहले आपके इंस्टाग्राम के कई सारे दोस्तों का वो आईडी ले चुके होते हैं, कि इन केस अगर आप उनको बोलें कि मैं पैसा नहीं दूंगा, या आप उनसे अपनी दादागिरी दिखाएं, तो वो आपको दूसरे तरीके से ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे कि हम आपका ये वीडियो आपके सभी दोस्तों को भेज देंगे। अब ये सिनेरियो पूरा देखते हुए इन्होंने एक इंडियन नंबर पर पैसा ट्रांसफ़र किया और ये सिलसिला स्टार्ट रहा। इन्होंने कम से कम, इन्होंने जो मुझे बताया कि 1,10,000 रुपये के आसपास इन्होंने पेमेंट किया, और 1,10,000 रुपये का पेमेंट करने के बाद इनको ये अकल आई कि जो कुछ इनके साथ चल रहा है वो पूरी तरीके से फ्रॉड चल रहा है, और इसका सिलसिला कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि वो बंदी हर बार ये कहती थी कि आप मुझे 15,000 रुपये दे दीजिए, मैं उसके बाद आपसे पैसे नहीं मांगूंगी। जब ये 15,000 देते तो किसी बहाने से फिर इनसे 20,000 रुपये मांगती थी कि ये लास्ट चांस है, इसके बाद आपके पास कोई भी कॉल नहीं आएगा। तो इस तरीके से सिलसिला चलता रहा, और ये 1,10,000 रुपये का सिलसिला जब हुआ, तब जाके इनके कल ठिकाने आई और इनको लगा कि अब मुझे किसी से बात करनी चाहिए। नाउ इनका जो कॉल था, इन्होंने फर्स्ट टाइम जो कॉल किया वो मेरे को ही किया, और इन्होंने मुझे पूरी स्टोरी बताई। देन मैंने उनको बोला कि अब आपको एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, और जब भी उसका कॉल आता है तो आप मेरी उससे कॉन्फ्रेंस पे बात करवाना। अभी 2 दिन पहले ही जब उस लेडी का दोबारा से इनके पास कॉल आया, तो इन्होंने उस कॉल को तुरंत कॉन्फ्रेंस पे ले लिया और मेरे से बात कराई। जैसे ही मैंने बात करना शुरू किया उस लेडी से, वो लेडी भी अपने एक कॉन्फ्रेंस कॉल पे चल रही थी जो किसी इंडियन बंदे के साथ था। अब देखिए कि कितना तगड़ा सिनेरियो चल रहा था। जो महाराष्ट्र के बंदे हैं उनको केवल यही लगता था कि वो लड़की ही कॉल पे होती थी, जबकि वो लड़की कॉल पे नहीं होती थी, वॉइस कॉल पे उसके साथ कोई इंडियन बंदा भी होता था। तो इतना स्ट्रेटजिक जो ये पूरा सिनेरियो चल रहा था, तो इसको समझ पाना उनके लिए बहुत मुश्किल था। बट क्योंकि जैसा कि मैं आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, मैं सब चीज़ अपडेट रहता हूँ, तो ये पूरा सिनेरियो में निकल के आया कि पीछे बैकग्राउंड में एक इंडियन लड़का था, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने ऐसी बोली कि उस इंडियन लड़के को निकल के अपनी आवाज़ में आना पड़ा कि हाँ मैं ऐसे बोल रहा हूँ और कुछ पैसा आपको देना पड़ेगा, पर नाम ये कर देंगे वो कर देंगे। जब मैंने उसको अपने देसी लैंग्वेज में समझाया तो ये केस वहीं का वहीं सॉल्व हो गया, और जो महाराष्ट्र के पर्सन है उनको भी रिलैक्स हुआ, और उस बंदे का भी उस टाइम से तो फ़ोन अभी तक नहीं आया इनके पास, और आएगा भी नहीं, क्योंकि वो समझ गया है कि अब कोई थर्ड पार्टी ऐसी इन्वॉल्व हो गई है इस केस के अंदर जो पैसा ना देगी हमें। तो ये जो पूरा सिनेरियो था, इस पूरे सिनेरियो को यहाँ पर बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बाहर विदेशी महिलाएं हैं वो भी आपके साथ फ्रॉड कर रही हैं। अब ये केस केवल हिंदुस्तान में नहीं, और भी कई सारी कंट्रीज से ऑपरेट हो रहा है, और कई सारी कंट्रीज़ में भी ऑपरेट हो रहा है। तो आपको हमेशा बचने की ज़रूरत है। कभी भी किसी भी इंसान को अगर वो बाहर से कंट्री से आपको कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, तो इमीडिएट आपको पिघल नहीं आना है, अपने दिल को निकाल के बाहर नहीं रख देना है एक लल्लन टॉप माल देख के कि लड़की बहुत सुंदर है और बहुत प्यारी लग रही है, फ्रेंड बना लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। हमेशा अपने कॉमन सेंस को यूज़ करना है कि आखिर ऐसा क्यों स्टार्ट हुआ, और उसका जो डायरेक्शन है आपसे बात करने का, वो किस वे में जा रहा है और कहाँ जा रहा है, वो पूरे सिनेरियो को किधर ले जाना चाह रही है, क्या वो दोस्ती तक सीमित है या फिर वो आपसे कुछ और भी करवाना चाहती है। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और स्पेशली मेरी लास्ट में यही रिक्वेस्ट होगी कि कोई भी लल्लन टॉप केस देख के ना फिसल जाइए। हमेशा अपनी एक बाउंड्री के अंदर ही रहिए। आपको कभी शक होता है तो अपने शक को सबसे पहले क्लियर कीजिए कि वो जो आपके साथ कांड होना शुरू हुआ है वो क्यों हुआ है, और उसकी क्या खामियाजें हो सकते हैं, कहीं आप बहुत बड़े तगड़े फंसने वाले तो नहीं है। क्योंकि 1,10,000 रुपये देने के बाद अगर आपको अकल आती है तो मैं कहूँगा कि ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ऐसे केसेस में आपको तुरंत इनिशियली
आपको चौकन्ना हो जाना चाहिए कि आपके साथ गलत हो रहा है। तो गाइस आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं फिर अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्कार। जो लोग मेरे वीडियो में पहली बार आए मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्कार।